नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे बिच्छू जड़ी बूटी के बारे में। ये माताओं बहनों के लिए कमाल के औषधि है और पुरुष भाइयों के लिए भी कमाल के औषधि है, लेकिन माताओं बहनों के लिए तो ये जड़ी बूटी रामबाण की तरह से कार्य करती है। तो ये वीडियो आपके लिए इसीलिए खास है। बिच्छू बूटी के बारे में शायद आप जानते नहीं होंगे, अगर जानते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपके एरिया में किस नाम से जाना जाता है। वैसे हम आपको इंग्लिश में भी इसका नाम बता देते हैं कि क्या है, ताकि जिनको हिंदी में पता ना हो वो जान जाएं। तो बिच्छू बूटी को अंग्रेजी में नेटल लीफ कहते हैं। हम इसके फोटो लगा देते हैं, आप किस नाम से जानते हैं कमेंट करके बताइएगा, आप जानते हैं या नहीं जानते हैं। अधिकतर लोग बिच्छू बूटी और इसके फायदों के बारे में नहीं जानते हैं, तो आज हम आपको इस वीडियो के जरिए इसी बारे में बताने जा रहे हैं। साधारण भाषा में बिच्छू बूटी को बिछुआ पत्ती भी कहा जाता है, कई जगह पर जाएंगे तो। इसका वैज्ञानिक नाम उर्टिका डियोका है। आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल औषधि को तैयार करने के लिए किया जाता है। अधिक नमी वाले स्थान पर बिच्छू बूटी उगती है, यानी कि जहाँ नमी वाला क्षेत्र है वहाँ पर ये उग आती है। जंगलों और नदियों के आसपास आपको इसकी कई प्रजातियाँ आसानी से मिल जाएंगी जब आप जाएंगे तो। ये मुख्य रूप से मैक्सिको, इटली, भारत, नेपाल, चीन, रूस, नीदरलैंड, उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका के अधिक हिस्सों में पाई जाती है, यानी कि इन देशों में भी ये औषधि पाई जाती है, दवाएं बनाने में इस्तेमाल की जाती है। जी हाँ, बिच्छू बूटी में प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, शुगर, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, जिंक, सेलेनियम, थायमिन, विटामिन B6 जैसे कई अन्य पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। इसमें मौजूद पोषक तत्वों के कारण ही इसका इस्तेमाल दवाइयों को बनाने के लिए किया जाता है, या फिर डायरेक्ट इसको दवाओं के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो जब इतने कमाल की औषधि है तो इसके फ़ायदों को और नुकसान को समझना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को इसीलिए अंत तक ज़रूर देखिएगा, हम पूर्णतः इसी पर चर्चा करने वाले हैं। आपका ये 5 मिनट आपके पूरे जीवन काम आएगा। बिच्छू बूटी के फ़ायदों को समझ लेते हैं, यानी कि बेनिफिट्स ऑफ नेटल लीफ। बिच्छू बूटी सेहत के लिए काफी अधिक फायदेमंद है। इसमें मौजूद पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं, जैसे कि पहली जो ये बीमारी को खत्म करती है वो है लिवर और हार्ट को सुरक्षित रखना। बिच्छू बूटी दिल और लिवर दोनों के लिए गुणकारी साबित हो सकती है। इसमें इथेनोलिक एक्सट्रैक्ट होता है, जो कि हृदय से जुड़ी हुई समस्या एथेरोस्क्लेरोटिक से सुरक्षित रखता है आपको। एथेरोस्क्लेरोटिक एक हृदय की धमनियों से जुड़ी हुई बीमारी है। इसके कारण दिल का दौरा पड़ता है और अन्य दिल से जो संबंधित बीमारियां होती हैं उनके बढ़ने का खतरा रहता है। इसके साथ ही ये लिवर से जुड़ी हुई परेशानियों को ठीक करने में भी काफ़ी असरकारक है। हम आपको इसके इस्तेमाल का तरीका भी बताएंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। पहले बताते हैं कौन कौन सी बीमारी में क्यों फायदेमंद है ये। दूसरी जो ये बीमारी को कंट्रोल करती है वो है प्रोस्टेट। जी हाँ, बिच्छू बूटी के सेवन से प्रोस्टेट बढ़ने की समस्या से बचाव किया जा सकता है। शरीर में प्रोस्टेट बढ़ना और प्रोस्टेट कैंसर दोनों ही घातक साबित हो सकता है। प्रोस्टेट एक ग्रंथि होती है जो कि पुरुष की आयु के साथ साथ बढ़ती रहती है, लेकिन जरूरत से अधिक प्रोस्टेट बढ़ने से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में इस पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी होता है। ऐसे में प्रोस्टेट बढ़ने से रोकने में बिच्छू बूटी आपकी मदद करती है। तीसरी जो फायदे की बात कर रहे हैं वो है बुखार, दमा और एलर्जी को ठीक करने के लिए। बदलते मौसम और प्रदूषण के कारण लोगों में बुखार, अस्थमा और एलर्जी जैसी शिकायतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं। इस स्थिति में बिच्छू बूटी का सेवन करना अस्थमा रोगियों के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। बदलते मौसम के कारण लोगों को राइनाइटिस एलर्जी और इसके कारण होने वाली समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगती है। नाक बहना, खांसी, जुकाम, शरीर में खुजली जैसी कई अन्य समस्याओं से निजात पाने के लिए आप बिच्छू बूटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एंटी अस्थमेटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाए जाते हैं, जो कि अस्थमा रोगियों के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। अच्छा, एक खास बात इसकी है कि जब इसका आप इस्तेमाल करेंगे तो ये सभी फायदे आपको नेचुरली मिलेंगे। एक बीमारी के लिए इस्तेमाल करेंगे, आपके शरीर को इसके और भी गुण स्वभावतः मिल जाएंगे। इसके बाद अगला जो फायदा है वो माताओं बहनों के लिए है। बहुत कमाल की औषधि है। महिलाओं को होने वाली समस्याएं जैसे कि मासिक धर्म, PCOD और प्रेगनेंसी में होने वाली समस्याओं से बचाव करने में बिच्छू बूटी मददगार साबित हो सकती है। इसमें पीरियड्स की अनियमितता को
कम करने के गुण छिपे हुए होते हैं। इसका सेवन करने से आपको इन समस्याओं से निजात मिल सकती है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को ये ठीक करती है। जी हाँ, बदलते लाइफस्टाइल के कारण लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत काफ़ी ज़्यादा हो रही है। हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए लोग ढेर सारी दवाइयों का सेवन करते हैं, लेकिन यह उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसमें एंटी हाइपरटेंसिव गुण पाए जाते हैं, जो कि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को कंट्रोल करने में असरकारी साबित हो सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर की समस्याओं को ठीक करने में ये असरकारक औषधि है। इसके अलावा स्किन के लिए ये काफ़ी फायदेमंद है। जी हाँ, स्किन की समस्याओं को ठीक करने के लिए बिच्छू बुट्टी के पत्ते काफ़ी फायदेमंद होते हैं। इसके इस्तेमाल से स्किन में होने वाली जलन, रैशेज, खुजली और चुभन की समस्याओं से बचाव किया जा सकता है। नेटल लीफ के इस्तेमाल से स्किन से होने वाली समस्याएं जैसे कि एक्जिमा हो गया, दाद की समस्या हो गई, इन सभी से बच सकते हैं आप। इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप जब भी, लेकिन थोड़ा सा डॉक्टर के सलाह के साथ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे स्किन से जुड़ी हुई परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। इसके अलावा सूजन और घाव को ठीक करने के लिए भी ये कमाल की औषधि है। आयुर्वेदिक औषधि रूप में आप नेटल लीफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए घावों और चोट के लिए आप बिच्छू बूटी का इस्तेमाल कीजिए। बिच्छू बूटी में हाइड्रो अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट का गुण पाया जाता है, जो कि घावों को भरने में काफ़ी मददगार साबित होता है। इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी बैक्टीरियल गुण भी पाया जाता है, जो घावों को भरने में असरकारक साबित होता है। इसके इस्तेमाल से स्किन में होने वाली जलन और घाव से राहत पा सकते हैं आप आसानी से। इसके अलावा बालों के लिए ये काफ़ी गुणकारी होता है। बालों से जुड़ी हुई परेशानियों को दूर करने के लिए नेटल लीफ की मदद आप ले सकते हैं। प्रदूषण और लाइफस्टाइल के कारण हमारे बाल काफ़ी ज़्यादा रूखे और बेजान हो जाते हैं आजकल, और ज़्यादा ही समस्या होने लगी है, तो ऐसे में ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। इस लीफ की मदद से आप गंजेपन की परेशानी से राहत पा सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, वो ये आता है कि इतने जब फायदे हैं इसके, तो इसको इस्तेमाल कैसे करें। जी हाँ, बिच्छू बूटी को छूने मात्र से शरीर में सिहरन हो सकती है। ऐसे में सवाल यह है कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, तो आइए जानते हैं इस बारे में। सलाद के रूप में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सैलेट में धोने के बाद सैलेट में आप इसको काट लीजिए और इस्तेमाल कीजिए। सलाद के रूप में इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले इसकी पत्तियों को अच्छे से धोना बहुत जरूरी है। इसके बाद इसे नमक के उबलते हुए पानी में डालिए। जी हाँ, पानी को पहले उबाल लीजिए, उसमें नमक डाल दीजिए और उसके बाद इसमें इनकी पत्तियों को डाल दीजिए। इसके बाद ठंडा करके इसकी पत्तियों को सलाद के साथ मिक्स के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बिच्छू बट्टी की पत्तियों से तैयार कैप्सूल का सेवन भी कर सकते हैं, जो कि मार्केट में मिल जाएगी, या फिर आप चाय के रूप में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा आसानी से चाय के रूप में इसका इस्तेमाल लोग कर रहे हैं आज की डेट में। ये कमाल के औषधि है, इसके आप सभी लाभ पा सकते हैं बिच्छू बुट्टी के। तो उम्मीद है कि आप में से कुछ लोगों ने शायद जो देख रहे हैं इस्तेमाल किया हुआ हो। अगर आपने इस्तेमाल किया है या फिर इस जड़ी बूटी को देखा है तो ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा, या फिर इसके कुछ अन्य फायदों को भी आप जानते हैं या किसी अन्य रूप में इस्तेमाल किए हुए हैं तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, ताकि हमें भी और अन्य जो दर्शक हैं उनको भी पता चल सके इसकी खूबियों के बारे में। जड़ी बूटियों से जुड़ी हुई जानकारी इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं, तो ऐसी ही नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को वीडियो मिल सके, मुझे खुशी मिलती है। आप ये वीडियो देख रहे थे आयुर्वेदिक उपचार चैनल के माध्यम से। फिलहाल विदा लेते हैं इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में, तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें।